हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको ब्लॉगर से एडसेंस अकाउंट को कैसे डिसेबल करें, क्योंकि हम बहुत से बार इसमें इनेबल कर लेते हैं और एडसेंस को आप ब्लॉग से जोड़ लेते हैं और यूट्यूब से भी जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको एक एडसेंस में एक पिंक कलर का पट्टी शो होने लगता है। तो वो बताता है आप अदर इसमें क्या होता है, इसमें डिसेबल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होने की संभावना रहती है, उसमें ट्रॉफिक नहीं आता है ब्लॉग में। तो इसीलिए आप क्या करें, यूट्यूब से इसे अकाउंट को जोड़ करके एडसेंस से और ब्लॉग से डिसेबल कर दें। तो आपको जोड़ना ही चाहते हैं ब्लॉग से, तो आप घर में के किसी भी मेम्बर का दूसरा अकाउंट बना के एडसेंस अकाउंट बना के उससे जोड़ सकते हैं। तो अभी इसे हम डिसेबल करना सिखाएंगे आपको ब्लॉगर से। आप इसे ब्लॉग से ये एडसेंस अकाउंट डिसेबल करके हम यूट्यूब पर रहना देना चाहते हैं, उसी इससे लॉगिन हो जाते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इससे क्या होता है, हमारा एडसेंस अकाउंट डिसेबल होने के चांसेस होते हैं। तो आप ब्लॉग के लिए अलग से एडसेंस अकाउंट बनाएं, अपने फैमिली मेंबर कोई भी होगा आपका इस हिसाब से। तो आपको गूगल एडसेंस में जाने के बाद में ये जो दिख रहा है, मैंने इसमें ब्लॉगर से भी इसमें इनेबल हो चुका था और यूट्यूब से मैंने इसे लॉगिन करके रखा था एडसेंस से, तो मैंने अभी इसे डिसेबल कर दिया है। ये पहले इनेबल था, मैंने अभी डिसेबल कर दिया इसे। तो ये सेटिंग आपको गूगल एडसेंस के अंदर मिलेगी। ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको, थ्री डॉट्स में जाके थर्ड पार्टी एक्सेस में जाना है आपको। थर्ड पार्टी एक्सेस में जाने के बाद में ये इस जगह शो होता है, तो इसे हम डिसेबल ही रहने देंगे। हमें सिर्फ यूट्यूब पे हमारी ऐड चाहिए और उससे ही हम अर्निंग करना चाहते हैं, ब्लॉग से नहीं। तो हमने इसे डिसेबल कर दिया है और मेरे एडसेंस के ऊपर लिख के आ रहा था इसमें कि अदर इसमें आपने यूज किया है इस अकाउंट को, तो मैंने इसे डिसेबल कर दिया है। तो बहुत से साथी घबरा जाते हैं ब्लॉग से, आप उसी गूगल एडसेंस को डिसेबल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसे, मैंने अभी इसे डिसेबल कर दिया, आप इसे इनेबल भी डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसमें सेटिंग में जाके आप ब्लॉग्स को एडसेंस अकाउंट से डिसेबल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।